हेलो गाइस, स्वागत है आपका आकाश टू एम में। एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, बड़ी गुड न्यूज है। जो बंदे प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, जिनका बंदों का पैसा आ भी चुका है या पैसा नहीं आया है, या कुछ कारणवश उन्होंने फॉर्म में गलती कर दिए थे या उनका रिजेक्ट हो गया था, तो अब 2022-23 सेशन के लिए न्यू आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फाइनली। किन किन के लिए स्टार्ट है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक बंदों के लिए है, उनको क्या क्या आगे करना पड़ेगा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, कैसे आप फॉर्म भरेंगे और किन किन स्टूडेंट के लिए, क्या जनरल ओबीसी एसटी एससी के लिए है या नहीं, है ना, किन किन स्कीम के लिए है, संपूर्ण इस वीडियो में बात करने वाले। वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना। हो सकता है अगर आपका पेमेंट नहीं आया हो तो आप नहीं भर पाए, तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला, कुछ आपको गाइडलाइंस बताने वाला हूं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस फॉर्म में आप स्थिति अप्लाई कर सकते हैं, किस में आप नहीं कर सकते अप्लाई, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के, तो आइए स्कीम पे चलते हैं, आपको बताएंगे पूरा कैसे आप फॉर्म को भरेंगे और किस किस स्कीम के लिए है और किन किन बंदों के लिए फॉर्म है, ठीक है। चलिए, हेलो गाइस, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं आपको एनएसपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पे आ जाना है, और जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मैं स्क्रॉल कर लिया इसको और ये देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर एप्लीकेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 14 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स, ये 14 अप्रैल आज की तारीख है, और क्लिक हियर टू रजिस्टर, इसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं, और मैं बताऊंगा किन किन बंदों को फॉर्म भरना चाहिए ये चीज, ठीक है, तो भी बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है प्री मैट्रिक स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट फॉर स्टडीज। शेड्यूल कास्ट का मतलब हो गया जिन बंदों को आरक्षण प्राप्त है, जनरल वालों को आरक्षण मिलता है नहीं मिलता है, एसटी एससी जो कैटेगरी है, जो इन कैटेगरी के जो बंदे हैं वही इनको भर पाएंगे, क्योंकि उनको आरक्षण मिलता है, वो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं वो भर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो है वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जिन बंदों का पेमेंट आ चुका है उनके लिए काफी बढ़िया बात है, वो भर सकते हैं, और जिन बंदों का अभी भी पेमेंट नहीं आया वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं 2022-23 के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है आपका पेमेंट 2021-22 में आया हो कि नहीं आया हो, या पेमेंट आपका अंडर प्रोसेस हो करता है नहीं करता है उससे कोई मतलब नहीं है, 2022-23 सेशन के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इस फॉर्म को कैसे करेंगे आप सब लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर रजिस्टर, इसको आपको क्लिक करना है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, ऊपर देख लीजिए आप, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। पूरा फॉर्म में भर के दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट शेयर जरूर करना फ्रेंड ग्रुप में, तो इसमें आपको लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2022, जैसे मैंने बोला था जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट, जो एससी स्टूडेंट, इसको अप्लाई कर सकते हैं 2022-23 सेशन के लिए, तो इस पर क्लिक कर देंगे। और एक और ऑप्शन है आपके पास, क्लिक हियर टू अदर स्कॉलरशिप स्कीम, अदर स्कॉलरशिप स्कीम में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल सेक्टर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ असेसमेंट ईयर 2021-22, ये 2021-22 के लिए है, 2022-23 के लिए अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, 2022-23 के लिए इसमें लिखा हुआ है ओपन सून, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ओपन सून के नाम से बना हुआ है, तो ये खुलने वाला है कुछ दिन बाद, इसका भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो अभी जैसे एसटी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे इसको, जिन बंदों को पैसा मिल चुका है वो भी अप्लाई कर सकते, जिन बंदों को पैसा नहीं मिला वो भी अप्लाई कर सकते, जिनका किसी कारण में रिजेक्ट हो चुका है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। तो इसमें देख लीजिए आप, आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप क्लिक करेंगे वहां पे, हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना, जैसे यहाँ पे टिक दो बटन दिख रहे हैं आपको, दो बटन पे आपको क्लिक कर देना, जैसे आप दो बटन क्लिक, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे आपके पास आगे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। अब स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप कैसे क्या लिखोगे, वीडियो कंप्लीट पूरा देखना फ्रेंड्स, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अधिवास का राज्य, आपका जो भी राज्य है आप यहाँ पे लिखेंगे, स्कॉलरशिप कैटेगरी आपका जो भी कैटेगरी, जिसमें मैंने यहाँ पे चलो मान लिया पोस्ट मैट्रिक कैटेगरी है, और मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ, ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा है अभी, चलो ठीक है। तो यहाँ पे नेम और स्टूडेंट आपका नाम लिख देना, चलो यहाँ मेरा नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे स्कीम टाइप आपका जो भी स्कीम है वो आप टाइप कर लेंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप स्कीम है आपका, स्टूडेंट कास्ट कैटेगरी कौन सी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, क्योंकि एससी कैटेगरी के लिए अप्लाई होगा, एनुअल फैमिली इनकम आपको जो भी है उसको आप भर देंगे, फिलहाल यहाँ भर दिया मैंने, डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर देंगे, जेंडर आप फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो फिल कर दीजिएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी को फिल कर दिया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा,
उसके बाद ही आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन स्टेट, आप देख सकते हैं स्टेट जो भी आपका वहां पे चूज कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो है चूज कर लेंगे आप। उसके बाद बैंक आईएफएससी कोड यहाँ पे भर लीजिएगा, फिर कंफर्म बैंक आईएफएससी कोड यहाँ भर लीजिएगा, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म बैंक अकाउंट। इस बार कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, जो आपका आईएफएससी कोड है जो बैंक अकाउंट है वही भरेगा, नहीं तो बाद में चेंज का ऑप्शन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पहचान आप क्या, जैसे आधार कार्ड, आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी जो भी है, चलो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। उसके बाद कैप्चा भर जाएंगे, कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी जैसे बोनफाइड हो गया, ये हो गया, इनको अपलोड करने होंगे 2022 सेशन के लिए। अगर आपका कॉलेज खुल चुका है, फीस रिसिप्ट आपके कॉलेज की आ चुकी है, ठीक है, आपके कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, या आपके बोर्ड का, या आपके प्री मैट्रिक जैसे 10, 12 के एग्जाम स्टार्ट, मतलब उनके नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनके जो फीस भरना होता है तो भर लीजिए, बोनफाइड वगैरह साइन वाइन करवा के कंप्लीट प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे बेसिक चीज था जिसको आपको दिखाना था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है भरने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में एक सेपरेट एक वीडियो और बना दूंगा आपको, कि आपको फॉर्म ए से लेकर जेड तक आपको कैसे भरना है, यहाँ कंपनी में आपको बता दिया है, यहाँ पे सब चीज आप भर लीजिएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं, फिर उसके बाद अगला जो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू फॉर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सेंटर सेक्टर। जो सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2021-22 सेशन के लिए है वो, 2022 से असेसमेंट ईयर के लिए वो अभी आया नहीं है, 2022 सेशन के लिए वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो 2021-22 सेशन के लिए, अगर जो बंदे 2021-22 सेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए या कुछ कारणवश उनका रह गया था, तो ये एक अच्छा मौका है उनके पास, तो उनको कर सकते हैं, अच्छे से वे एनरोल कर पाएंगे उस चीज को। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज कैसे करना है। अगर आपका फॉर्म मान के चलो आप किस कारण भर नहीं पाए थे, आप कॉलेज स्किप कर दिए, तो 2021-22 सेशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट वगैरह लिखे जो मैंने अभी जो बताया था वही चीज करेंगे। यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भी आएगा, बोल रहा है फॉर फर्स्ट टाइम लॉग इन, तो ओटीपी आने के बाद रजिस्टर कर देंगे, तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट रजिस्टर हो जाएगा। तो ये एक अपडेट थी आप लोग सबके लिए। अगर आपका फॉर्म पेमेंट आ चुका है या पेमेंट नहीं आया, अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, कुछ भी शो कर रहा है आपका, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिंदास अप्लाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप सब जानते हैं मैं रिप्लाई जरूर देता हूं इन चीजों को। और अभी आपका फाइनल स्टेटस क्या शो कर रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना सकूं आप सबके लिए। तो ये गुड न्यूज थी आप सबके लिए। एक तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पे अभी जो एक डेट और बढ़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की डेट जो है एक्सटेंड हो चुका है। जो बंदे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का फॉर्म नहीं भरे थे या कुछ कारणवश उनका रह गया था, अधूरा रह गया था, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 15 अप्रैल 2022 की लास्ट डेट है, और वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 22/4/2022 है, तो इसको जरूर भर लीजिएगा। अभी भी आपके पास मौका है, इस पर आपको मौका दे रही है, आपको पैसा मिल जाएगा। अभी भी कुछ गलती हुए तो दोबारा फॉर्म भर लीजिएगा, या आपके बैंक में कुछ गलती हो उसको फ्रेश करके दोबारा फ्रेश भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।